स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। चले बढ़ते आगे तो छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर जोधपुर के फलौदी और शेरगढ़ में परिवर्तन यात्राओं में शामिल होने के लिए मंगलवार को जोधपुर पहुंचे। एनडीटीवी राजस्थान से बातचीत में बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा कि वैसे तो राजस्थान में परिवर्तन यात्रा को लेकर उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन्हें पता चल रहा है कि इस बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। महिला आरक्षण बिल के बारे में उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना साकार हुआ है। बीजेपी के दिग्गज नेता ओम जी माथुर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लगातार राजस्थान से लेकर पूरे भारतवर्ष में पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सदैव आगे रहते हैं। इस बार परिवर्तन यात्रा को लेकर जोधपुर आए हुए, सर किस तरह से परिवर्तन यात्रा का रेस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत डिटेल मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं सोशल मीडिया के माध्यम से छत्तीसगढ़ में बैठे देख रहा हूँ तो एक अच्छा माहौल परिवर्तन की यात्रा के द्वारा खड़ा हुआ है, क्योंकि चार यात्राएं चल रही है और चारों क्षेत्र में घूम रही है। तो जो लोगों में एक आकर्षण था और जो वर्तमान कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से एक हर चीज़ फ्री बांटने के मूड में, दोबारा आने के मूड में थी, निश्चित रूप से इस यात्रा के माध्यम से ब्रेक लगा है और जनता मन बना चुकी है कि चुनावों के एंड टाइम, 5 साल तो आपस में कुर्सी के लिए लड़ते रहे और चुनाव आते उन्होंने कुछ न कुछ लगा कि हम एक हो जाएँ, तो जनता में कहीं लक्षित नहीं हो रहा है। सचिन अभी भी अलग चल रहे हैं, अशोक जी अलग चल रहे हैं और जनता मन बना चुकी है कि लड़ाई से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और डबल इंजन की सरकार बने। ये दृश्य यहाँ से पैदा हो रहा है। लोग ये भी जानना चाहते हैं प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री को लेकर। देखिए, हमारी पार्टी का सिस्टम एक अलग है। हमारी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, हमारी पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं, हमारी पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं। मैं लगभग 8-9 प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ हमने बिना चेहरे के लड़ा, बहुत से ऐसे प्रदेश है जहाँ चेहरे से लड़ा। मैं 2000 में गया था उत्तराखंड तो भगत सिंह चेहरा थे, 2001 में गया मैं मध्य प्रदेश तो उमा भारती चेहरा थी, लेकिन उसके बाद जब मैं गुजरात गया तो ऑलरेडी CM थे नरेंद्र भाई। महाराष्ट्र गया कोई चेहरा नहीं था, उत्तर प्रदेश गया कोई चेहरा नहीं था। तो पार्टी का एक पार्लियामेंट बोर्ड और पार्टी का एक सिस्टम है कि हमको किस रास्ते से जाना है, तो ये हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड तय कर रहा है और इस समय राजस्थान में हम कमल के फूल के साथ जा रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर बात हो रही है, नई संसद में ये बिल पेश हो जाएगा, क्या लगता है इसी विधानसभा और लोकसभा में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा या अगले सत्र में? नहीं, इसी विधानसभा, क्योंकि बकायदा बिल पास होता है दोनों, फिर राज्यसभा में जाता है। हो सकता है विरोधी दल क्या करेंगे इस पे, लेकिन ये हमारा सबका सौभाग्य है कि आज देश के इतने लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जो संकल्प हमारा अटल जी के टाइम से था कि महिलाओं को भी बराबर भागीदारी होनी चाहिए, तो आज कल कैबिनेट ने पास किया है और आज या कल में वो लोकसभा में रखेंगे। तो इतना जल्दी नहीं मैं कह सकता कि इसी चुनाव में हो जाएंगे, लेकिन महिला बिल पास होना इस देश में एक माइलस्टोन साबित होगा और जो आधी जनसंख्या हमारी अब तक राजनीति से अछूती रही है और ये आज़ादी के बाद रही है, शुरू में बहुत महिलाएं 1857 की क्रांति हो चाहे उससे पहले भी कई हमारी रानी महारानी राज जो राज परिवार थे, या हर जगह सामाजिक क्रांति, मीराबाई ने सामाजिक क्रांति लाई, तो ऐसे बहुत सी महिलाएं, तो महिलाओं का भाव सबके मन में था। तो पूरा देश आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे रहा है कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से पार्टी में पिछले दिनों गुटबाजी दिख रही है प्रदेश में, वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है या उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके बयान भी है जो चर्चा में बने रह रहे हैं। देखिए, पार्टी जब बढ़ती है तो, और समाज का जब पूरा कल्चर बदलता है, तो वरिष्ठ हो या नए हो उनको भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होता कि एक ही व्यक्ति लगातार चलेगा, कभी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल हर बार नहीं आएंगे। तो पार्टी में जब नया आता है, नया युग आता है और जब हमारे नेता ने कहा सबका साथ सबका विकास सबका सहयोग, तो जब सबका साथ और सबका सहयोग लेना है तो नए लोग भी आते हैं और नए लोगों के माध्यम से आगे भी बढ़ा जाता है, लेकिन पार्टी के पुराने लोगों को कहीं इग्नोर नहीं किया जाता है। अब कहीं कहीं किसी विषय पर कोई आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि सीनियर लोगों को इन विषयों में अपनी वाणी में संयम रखते हुए ऐसे विषयों को जो किसको हैंडल करना वो करे, नहीं बोलना चाहिए। आगे तो पार्टी प्रदेश में टिकट का कब तक घोषणा हो जाएगी? अब क्योंकि मैं डायरेक्ट अभी यहाँ राजस्थान में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं तो छत्तीसगढ़ में टिकट डिक्लेयर कर चुका हूँ और मेरी दूसरी लिस्ट भी तैयार है। जब भी चुनाव समिति बुलाएगी हम तुरंत तैयार कर देंगे और पार्टी ने पूरा मन बना रखा है कि जितना जल्दी हो, यानी
तीन महीने पहले मैंने टिकट डिक्लेयर कर दी, 90 सीट में से 22 सीट मैंने डिक्लेयर कर दी। तो ये पार्टी की व्यूहरचना, तो यहाँ की व्यूहरचना यहाँ के लोकल नेता बताएंगे ठीक रहेगा। तो बिल्कुल आपने देखा किस तरह से बिल्कुल बेबाक जवाब, चाहे सीनियर हो या नया हो, सबको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए और पार्टी लाइन पर सबको चलना चाहिए। अरुण हर्ष, NDTV इंडिया, जोधपुर।